बांदा तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बांदा डीएम ने कोविड 19 अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बांदा डीएम ने कोविड 19 अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने आज L2 कोविड चिकित्सालय मंडली चिकित्सालय में तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने आज L2 कोविड चिकित्सालय मंडली चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने पीकू आईसी वार्ड 1 व 2 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड 1 में 5 बेड जिसमें 5 कार्डियक मॉनिटर व 5 वेंटिलेटर रखे हुए थे, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा अपने सामने चलवाया जो चालू हालत में पाए गए। वार्ड 2 में 6 बेड हैं जिसमें HFNC 1 और वेंटिलेटर 4 एवं ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर 1 स्थापित है। मौके पर उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बांदा द्वारा बताया गया कि पीकू आईसीयू में कुल 11 बेड, पीक्यू एसडीयू वार्ड 32 बेड एवं पीक्यू आइसोलेशन वार्ड में 50 शैया है तथा कोविड 19 आईसीयू व्यस्क वार्ड में 10 बेड, ओमिक्रॉन आइसोलेशन एसडीयू वार्ड में 10 बेड एवं 40 बेड सामान्य आइसोलेशन वार्ड में स्थापित किए गए। इस प्रकार L2 चिकित्सालय में कुल 150 बेड स्थापित हैं तथा 23 वेंटिलेटर, HFNC 1 और कार्डियक मॉनिटर 20, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 17 सहित 44 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर और 6 बड़े जंबो सिलेंडर उपलब्ध हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि 150 बेडों में से 68 बेडों में गद्दे नहीं हैं। गद्दों की मांग के लिए शासन को मांग पत्र भेजा गया है।